क्रिसमस के मौके पर शहर में खूब रौनक रही। लोगों द्वारा चर्चों में आना जाना रहा। सबने सुबह की प्रार्थना में भाग लिया। कई संस्थाओं की ओर से लंगर के आयोजन भी हुए और सबने इस मौके पर विश्व शांति की कामना भी की। इस दिन के महत्व के बारे में फादर ई जे जो ने बताया। सारे पठानकोट निवासियों क्रिसमस का इस त्यौहार का समय पर सबको हमारा शुभकामना देते हैं और हम इस समय और कोविड का समय हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कम किया गया है और 9 बजे के अंदर अंदर हम जो भी प्रोग्राम है ख़त्म करना है इस महामारी के लिए और इसका हमारा देश में ज़्यादा इफेक्ट ना हो। हम दिन रात हम प्रार्थना करते हैं लोगों को सुरक्षित रखें और इस क्रिसमस का टाइम पर हमें विश्वास करते हैं प्रार्थना बिंदी परमेश्वर सुनकर लोगों को चंगा करें और संभाल कर रखें। और मैं यही कहना चाहूँगा हमारा प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले उस दुनिया में आया और हमारे लिए हमारे पापों के लिए मरा और तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा और अभी हमारे हमारे हर एक जरूरत के लिए हमारे साथ हैं। मैं विश्वास करता हूँ हम यीशु मसीह आने का क्रिसमस मनाने का एक ही मकसद है लोगों तक इस पैगाम को हम पहुंचा सके क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका दुख और दर्द को और आपका ज़िंदगी करे की परेशानी को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने से हमें ये गुण प्राप्त होते हैं और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ सारे पठानकोट निवासियों को इस वक्त मैं शुभकामना देता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु का हाथ में आपको सुरक्षित रखे आने वाला नया साल में भी परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह आपके साथ रहे। आपका बिजनेस आपका कारोबार आपका परिवार ये सब कुछ प्रभु के दया के द्वारा आशीष पाएँ यही मेरा प्रार्थना है कामना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।